वेलकम टू स्टडी रैपिड। स्टडी रैपिड में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली फॉर यूपीएसआई एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, अलॉन्ग विद यूपीएसआई एग्जाम, रेस्ट ऑफ आप यूपीएसएससी जो एग्जाम होते हैं इनके लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे ये क्वेश्चन, और जो एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाला है उसके लिए भी बेस्ट ये वीडियो होगा। यदि आप सबको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा लास्ट में, और इस चैनल पर आप नए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया है कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। ये क्वेश्चन है हम्बटन टोटा बंदरगाह कहाँ पर है, ये है श्रीलंका में। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम्स यानी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अलॉन्ग विद एसआई एग्जाम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओणम आप जानते हैं फेस्टिवल है, ओणम एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, ये किस राज्य में एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, हर साल मनाया जाता है, ये राज्य है केरल। केरल में बहुत ही पॉपुलर ओणम फेस्टिवल मनाया जाता है, जिस तरह से नॉर्थ इंडिया में आप समझ सकते हैं कुछ ऐसे फेस्टिवल है जैसे दिवाली होली ये मनाया जाता है ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में, इसी तरह साउथ एरिया में जो ओणम फेस्टिवल है ये केरल का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, ये मनाया जाता है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बंगाल विभाजन के समय पर बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसका नाम क्या था, उसका नाम था सर एंड्रूज फ्रेजर। इन्होंने बंगाल विभाजन के समय पे पद संभाला था एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नीलथोथा ये साइंस का क्वेश्चन है जो कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसका जो साइंटिफिक नेम आप समझिए या रासायनिक नाम समझिए, इसका नाम होता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट कहते हैं नीलथोथा का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन क्या है कि गाड़ियों की जो बैटरी होती है, जो कार की जो बैटरी होती है, इसमें कौन सा एसिड डाला जाता है, इसमें रहता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया जाता है कार की बैटरी में। अगला क्वेश्चन क्या है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा घोषित किया जाता है, जो भारत सरकार घोषित करती है उसका जो मेन मंत्रिमंडल है वह आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडल समिति, ये घोषित करता है न्यूनतम समर्थन मूल्य फॉर एनी प्रोडक्ट्स। अगला क्वेश्चन क्या है कि दुनिया का पहला ऊंट का जो हॉस्पिटल है वो कहाँ पर बनाया गया है। देखिए छोटे से हॉस्पिटल तो कई जगह बनाए गए हैं, सभी कंट्री में होते हैं क्योंकि एनिमल है, इसके प्रोटेक्शन के लिए कई सारे एनिमल डॉक्टर्स भी होते हैं, लेकिन एक डेडिकेटली जो हॉस्पिटल बनाया गया है वो बनाया गया है दुबई में। दुनिया का सबसे पहला ऐसा हॉस्पिटल है जो कि कैमल यानी ऊंट के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन भी कई बार मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा गया है। ये मनाया जाता है 31 मई को मनाया जाता है एवरी ईयर टू प्रोटेक्ट नॉट कंज्यूमिंग द टोबैको, टोबैको को नहीं खाना, इसके लिए लोगों को अवेयर करना है क्योंकि बहुत सारी डिजीजेज कैंसर जैसे घातक बीमारी भी टोबैको से ही होती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी भी वेबसाइट के मुख्य पेज को क्या कहा जाता है, जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं ऑनलाइन तो उसका जो होम पेज होता है यानी वेबसाइट का जो मेन पेज होता है उसे कहा जाता है होम पेज। ये कंप्यूटर के लैंग्वेज में होम पेज कहा जाता है और हिंदी भाषा में इसे मुख्य पेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है, ऑक्साइड होता है एल्युमिनियम का अयस्क, ये भी क्वेश्चन कई बार मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, और ये क्वेश्चन जो इतने भी मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रैपिडली कई बार पूछे गए हैं, तो इनके आने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा होती है क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे जाते हैं। सिरका में कौन सा तत्व पाया जाता है, एथेनॉइड एसिड पाया जाता है सिरका में, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आवर्ती नियम किसने बनाया था, ये बनाया था डिमित्री मेंडलीफ ने बनाया था आवर्ती का नियम। एक जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा आपको, यदि आप यूपीएसआई के 2500 क्वेश्चन या 2500 क्वेश्चन डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है, मैडम पिकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है, भारत की क्रांति की जननी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा को किस उपकरण से मापा जाता है, विद्युत धारा को मापा जाता है एमीटर से, ये साइंस का क्वेश्चन है आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है आने की। सकल राष्ट्रीय उत्पाद को कैसे मापा जाता है, इसका जो फॉर्मूला है एएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, इसका फॉर्मूला है राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय आय उत्पाद को मापने के लिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा के अस्थाई सदस्य कौन थे, उनका नाम क्या था, उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थाई
सदस्य थे संविधान सभा के। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेशनल हाईवे होते हैं वो NS 66 का जो नाम को पहले किस नाम से जाना था, ये जानते थे NS 17, NH 66 को पहले NS 17 के नाम से जाना जाता जो कि अब हो गया है NH 66। पाक्योंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाक्योंग विमानपत्तन कहाँ पर बना है, ये बनाया सिक्किम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा क्योंकि कुछ नाम टिपिकल है इसलिए चांसेस ज्यादा हैं एग्जाम में आने के। हमारे देश में जो यातायात के साधन है यानी यातायात किए जाते हैं सबसे ज्यादा सड़क से किए जाते हैं, इसका जो परसेंटेज है अगर पूरे यातायात की हम बात करें 80% ऐसे यातायात किए जाते हैं यानी कि ट्रेवल किए जाते हैं भारत में जो कि सड़क के द्वारा किए जाते हैं। लॉन्ग विद जैसे सड़क के द्वारा आप चाहे बस जाएँ, बाइक जाएँ, ट्रक जाएँ, जैसे और भी मूवमेंट होते हैं, आप शिप से जाते हैं लोग और एयर के जरिए जाते हैं, तो वो 20% में इंक्लूड होते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ 80% हमारे यहाँ इंडिया में बाई रोड यात्रा की जाती है। श्रीशैलम बांध किस नदी पर स्थित है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीशैलम बांध जो स्थित है यह कृष्णा नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा को का निर्माण करती है। जो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है वो रिवर है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ये दो रिवर हैं जो डेवलप करती है, बनाती हैं सुंदरबन डेल्टा को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते क्या है कि कहाँ पर लोकलेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, ये की जाती है लोकसभा में। अगला क्वेश्चन देखते क्या है कि कौन सा प्रदूषण नागनी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है। नागनी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है फ्लोराइड, इसका नाम है फ्लोराइड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का जो सबसे सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु है वो कौन सा है, वो है इंदिरा पॉइंट, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साउथर्न का सबसे दूरस्थ जो पॉइंट है वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन क्या है कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किससे किसके उत्तरदायी होते हैं, जो संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो कि UPSI के लिए इंपॉर्टेंट होगा, SSC GD के लिए इंपॉर्टेंट होगा या जितने भी कमिंग एग्जाम होंगे उन सभी में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 क्वेश्चन हैं। यदि आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे और लोगों में व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे या चैनल पे आप नए हैं सब्सक्राइब कीजिए तो आपको इसी तरह से वीडियो डेली मिलते रहेंगे। यदि आपको इस तरह से और वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि आप 2500 GK का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।